दोस्तों, एसआर न्यूज़ गुजरात टीम लगातार मुआयना कर रही है और आपको हम एक बहुत ही काबिले तारीफ एक कामगिरी, माधोपुर पुलिस स्टेशन के डी स्टाफ का पूरा स्टाफ, पीआई पीएसआई सहित तमाम लोग यहां पर मूसा सुहाग कब्रिस्तान रोड पर मौजूद है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही खड़े पैर शाम से लगे हुए हैं और लोगों का ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों की बाइक से और जितनी भी गाड़ियां जो ज़ायरीन यहां पर कब्रिस्तान में ज़ियारत को आते हैं उनकी गाड़ियां पार्क करवा रहे हैं और लगातार यहां पर बंदोबस्त में खड़े हैं, बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं, किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। ट्रैफिक सारा का सारा बाहर के रोड से डाइवर्ट कर दिया और यहाँ पर बैरिकेड लगा कर आप देख सकते हैं हमारा माधोपुरा पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ, पुलिस स्टेशन का स्टाफ, डी स्टाफ लगातार यहाँ पर सेवा में खिदमत में खड़ा है और ज़ायरीन के लिए जो अपने माँ बाप को इसाले सवाब पेश करने के लिए कब्रिस्तान में आते हैं, अपने लोग जो यहाँ पर बख्शने आते हैं मरहूमों को, उनकी खिदमत और सेवा में तमाम स्टाफ यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो हम तमाम मुसलमानों की ओर से, एसआर न्यूज़ गुजरात की ओर से और जितने भी ज़ायरीन हैं तमाम की ओर से हम तहे दिल से माधोपुरा पुलिस स्टेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह में शेख मोहम्मद तौफीक कब्रिस्तान में ज़ियारत और मरहूमीन के इसाले सवाब और तबर्रुकात पेश करने के लिए आया हूँ और आप तमाम लोगों से मेरी चैनल के माध्यम से ज़रिए से आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे माँ बाप हमको कितने लाड और प्यार से पालते हैं, हमारा लालन पालन पोषण करते हैं और जब इस दुनिया को छोड़कर वो अलविदा कह देते हैं, चले जाते हैं, तो हम उनको साल साल भर तक भुला देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आज यहाँ पर आया ही हूँ तो आपको ये मुख्तसर पैगाम देना चाहता हूँ, अपने मरहूमों को याद रखें ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल आपको याद रखेगी। और आज का दिन जो शख्स हदीस में आता है 11 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत पढ़ के अपने मरहूमों को बख्शेगा या पूरी उम्मत के मरहूमीन को बख्श देगा तो जितने मरहूमीन हैं उसके बराबर उस इंसान को नेकियां मिलेगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ के बख्शने पर 1 कुरान का सवाब मरहूमों को देते हैं। रोज़ाना शाम को और ख़ास करके शबे बरात की रात 15वीं शाबान को हमारे मरहूमों की रूहें निकलती हैं और वो इंतज़ार करती है कि कोई हमें कुछ ना कुछ तबर्रुकात दे, हमारी गिज़ा, हमारी खुराक दे। उनकी खुराक यही है हम उनको पढ़ के बख्शें, सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं बल्कि रोज़ाना कुछ ना कुछ पढ़ के बख्शते रहें, उनको याद रखें, अपनी दुआओं में शामिल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो वैसे भी मुबारक रात है, आज तमाम हमारे महरूमिन की ईद का दिन है और हम सब के लिए भी ये बारी ताला ये मगफरत की रात है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों की तौफीक अता फरमाए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत करें, अपने गुनाहों की मगफरत फरमाए, अपने मरहूमीन की मगफरत के लिए दुआ करें और आने वाली ज़िंदगी हमारी इस्लाम और दीन के ऊपर गुजर हो, ऐसी हम सब दुआ करें। और जो बच्चे आज के नौजवान से मेरा ख़ास यानी ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जो रातों को हम गफलत में गुजारते हैं रोड के ऊपर बाइकें चलाते हुए, वो सबसे बड़ा मेहरबानी परहेज़ करें, बड़े परहेज़ करें और अपनी और अपने वालिदैन की मगफरत के लिए दुआ करें। ये मुबारक रात है, इसके अंदर दुआओं की मकबूलियत होती है। अल्लाह उसके रसूल के सदके तवसल से इलाहुल आलमीन की बारगाह में हम सज्दा रेज़ हो जाएँ, गिड़गड़ाएँ, माफ़ी मांगें और उम्मत की फलाह के लिए दुआ करें कि उम्मत को अल्लाह आलमीन सिदारत मुस्तकीम पर चला दे और ये जो खुराफात कोई लोग जो मुसलमानों को इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं हम लोग उनका हथियार ना बने, बस यही मेरा पैगाम है। माशाल्लाह हजरत ने बहुत ही बेहतरीन दो पैगाम बहुत ही मुझे अच्छे लगे। एक तो हर हफ्ते आते हैं तो ये पैगाम भी दे दिया हजरत ने कि हमारे मरहूमिन को हम हर वक्त याद रखें, ऐसा नहीं कि साल में सिर्फ एक मरतबा। तो ये पैगाम भी बहुत ही बेहतरीन पैगाम था और साथ में ये आज की रात गफलत में ना गुजारें, घूम फिर कर लोगों को परेशान और अजियत में डालकर जो नौजवान घूमते हैं, बाइकों पर विल्लियाँ मारते हैं, स्टंट करते हैं, उससे इस्लाम और मुसलमान बदनाम होते हैं, उसकी जगह अपनी रात को अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं और खूब बेहतरीन हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे आबा अजदाद तमाम के लिए और तमाम उम्मत के लिए, तमाम इंसानियत के लिए बेहतरीन से बेहतरीन दुआएँ मांगे। यही पैगाम है आज का। अस्सलामु अलैकुम। ये दोबारा मैं समझ के डर रहा हूं पानी।
ना कॉफी का दानो सीन हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं एसआर न्यूज गुजरात। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो।